थैंक यू ओपी साहब, थैंक यू वेरी मच, कमाल किया आपने। आपके अभी सारी वो अय्याशियों के टेप्स मैं वापस कर दूंगा। पहले मेरे बीवी बच्चों को तो वापस कर दो। बीवी बच्चे? हाँ, तुम लोगों को बचाने के लिए तुम्हारे आदमियों ने उन्हें किडनैप कर लिया है। कौन? हमारे आदमियों ने। वेलकम मार्कस। हाय बेबीज। हेलो बॉयज। कोका, वंस इन अ ब्लू मून तेरे बीवी बच्चे घर पहुंच जाएंगे, तू भी जा। गुड शॉट। हीरे कहाँ है? हीरे? ये साले हीरे का नया चैप्टर क्या शुरू हो गया? कौन से हीरे? वही हीरे जो हमारे पहुंचने से पहले मिनिस्टर की तिजोरी से तुम लोगों ने निकाल लिए। देखिए सर, कुछ कंफ्यूजन है। चोरी हमने की, लेकिन तिजोरी में कोई हीरे वीरे नहीं थे। मंत्री ने बोला हीरे तिजोरी में मारा गया, और ये साले हरामजादे बोलते हैं कि तिजोरी में हीरे थे ही नहीं। एक बात कहूँ मार्कस भाई? हाँ, क्यों नहीं अंकल, तुम तो उनके बॉस हो यार, बोलो। बस बिना ड्राइवर के चल रही है। आप सब लोग सवाल पूछिए, एक आदमी को बस चलाने दीजिए ना प्लीज। करोड़ों के हीरे बड़ी मुश्किल से हमने चुराए थे, बड़ी आसानी से तुम लोगों को मिल गए, तो नेचुरली आसानी से बताओगे तो नहीं। सही बात है, करोड़ों के हीरे हों तो कोई मुश्किल से भी नहीं बताएगा। मार्कस भाई, बस खाई में जा रही है। मार्कस भाई। टंबो। यस बॉस। टंबो, मैं बता तो टंबो जल्दी। डार्लिंग, कहाँ हो तुम? अजी बिल्कुल नए किस्म का दौरा पड़ा है, 24 घंटे में तीसरा अटैक है, और पापा जी ये बच्ची जैसी क्यों बात कर रही है? तीनों मुजरे भाग गए और तुमको पता तक नहीं चला। अरे पता चला, उन तीनों को पकड़ भी सकता था, लेकिन डायरेक्टर ने कट नहीं बोला ना, क्या करता, शॉट खराब कर देता। हीरो बनने की क्या जरूरत थी? मैं तो कहता हूँ पुरानी बातों पर मिट्टी डालो। डालिंग, पुरानी बाटों पर मिट्टी डालो बाबा जी। मिट्टी इधर। अर्जुन मर गया। अर्जुन, आज तक मैंने कभी स्टेशन पे ट्रेन का वेट नहीं किया, आज पटरी पे लटके कर रहा हूँ, मेरी बीवी मेरे बच्चे। ये आ गया, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया। आजा भाई, हमको बचाने वाला फरिश्ता आ गया है, आजा। भाई साहब कर क्या रहे हैं? मर रहा हूँ, दिखाई नहीं दे रहा है, सुसाइड कर रहा हूँ। क्या किस्मत है, हमें जो बचाना है वही मरने जा रहे हैं। भाई आप मर जाओ, लेकिन पहले हमें तो बचा लो प्लीज। देख रहे हो आप, ये दुनिया बची है जीने लायक इस तरह के लोग, तो क्यों जूं मैं? सब जीना चाहते हैं, मरने वाले से साला कोई नहीं पूछ रहा कि भाई क्यों मरना चाह रहा हूँ। बचने के बाद हम पूछने वाले थे सर। नहीं नहीं, हम पहले ही पूछ लेते, भाई अब क्यों मरने जा रहे हैं? अफगानिस्तान में मेरी पूरी फैमिली को बम से उड़ा दिया, माँ बाप बीवी छोटे छोटे बच्चे, एक बम आया और धड़ाम। फोटो रखी है मेरे पास। मैं नहीं नहीं भाई, यकीन है
यकीन है। लेकिन भाई साहब हमने थोड़ी मारा है उन्हें। अरे तो बचाए भी तो नहीं ना यार, फिर क्यों जिंदा रहना चाहते हो और जी के करोगे क्या? मान लो आज अगर बच भी गए तो कल को किसी गोली से मर जाओगे, परसों बम से उड़ा दिए जाओगे, तो बेहतर है कि आज चुपचाप लेट के मर जाओ। बहुत सही है भाई, सही बात है। नमस्ते। क्या होगा अब? अगर स्लो ट्रेन आएगी ना तो आस्ते आस्ते कटेंगे, और अगर फास्ट ट्रेन आई ना तो कट 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 कीमा। वो चौथा कौन है? पर खोल यार! अरे खोल! मरने आया है। कौन सी ट्रैक पे चला रहे हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। फिर बचा लिया ना, जानता है ना कि ऊपर आया तो बहुत सारे सवाल करूंगा। ये क्या है? स्टॉप इट! भारी किस्मत, मरना कौन चाहता है और मर कौन रहा है।